ईद के मौके पर उत्तरी इसराइल बॉर्डर पर हिजबुल्ला के हमलों में अचानक से एक कमी आ गई थी, या यूं कहें कि उत्तरी फ्रंट पर हिजबुल्ला लगातार दो दिनों तक शांत बैठा रहा। लेकिन इन दो दिनों में उसने अंदर ही अंदर वो कारनामा कर दिखाया जिसके बारे में इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ, हिजबुल्ला ने अपने जासूसी ड्रोन को कब्जे वाले फिलिस्तीन में भेजकर इसराइल के तमाम खुफिया ठिकानों का भेद इकट्ठा कर लिया, जिससे इसराइल में अब हड़कंप मचा हुआ है। हिजबुल्ला का कहना है कि अब उसके पास इजरायली सेना के सबसे अहम ठिकानों की खुफिया जानकारी आ चुकी है। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर उत्तरी इसराइल बॉर्डर हिजबुल्ला के हमलों से दहल उठा है। पिछले दो दिनों से जो सन्नाटा यहां पसरा हुआ था, अब वो भारी तबाही में तब्दील हो गया है। दरअसल हिजबुल्ला के लड़ाकों ने दोपहर करीब 12 बजे आईडीएफ के एक मरकावा टैंक पर ड्रोन हमला करके उसके परखच्चे उड़ा दिए। हिजबुल्ला का दावा है कि उसने ये हमला हदाब यारीन साइट पर किया है, जो एकदम सटीक रहा। इसके बाद हिजबुल्ला ने नवाजीव में आईडीएफ की 111वीं बटालियन की एक पोजीशन पर ड्रोन का एक जत्था फायर कर दिया, जिसमें इसराइल के कई अधिकारी और जवानों के चपेट में आने की खबर है। हिजबुल्ला का ये भी कहना है कि उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। इस हमले के बाद शाम होते होते करीब 5:20 पर हिजबुल्ला ने दो अलग अलग हमले किए, जो कब्जे वाले कफार चौबा हिल्स और जिब्दीन बैरक में हुए। हिजबुल्ला के मुताबिक उसने यहां पर अल रामथा चौकी पर रॉकेट और गोला बारूद से हमला किया है, और इस हमले को लेकर हिजबुल्ला ने दावा किया कि उसके ये हमले एकदम सटीक रहे। इसके बाद हिजबुल्ला ने यह भी दावा किया कि उसके लड़ाकों ने मनारा सैन्य चौकी पर पहले तो इजरायली सैनिकों की करीब से निगरानी की और फिर उनके ऊपर रॉकेट गोला बारूद बरसाना शुरू कर दिया, जिसमें आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। और इन हमलों के बीच बेयत हिल्लेल बैरिक्स पर भी हिजबुल्ला ने शाहेल बटालियन पर कत्यूशा रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसमें इजरायली सैन्य चौकी और आईडीएफ के जवानों को भारी नुकसान होने की खबर है। लेकिन इन हमलों के बीच आईडीएफ को सबसे बड़ा झटका लासान मिलिट्री फैक्ट्री में लगा है। यहां पर हिजबुल्ला ने फलक रॉकेटों से हमला किया है, जिसमें इस फैक्ट्री को भारी नुकसान होने की बात सामने आई है। बड़ी बात यह है कि इस फैक्ट्री में इजरायली सैन्य वाहनों के लिए विशेष हथियार बनाए जा रहे थे, और ऐसे में हिजबुल्ला का इस हथियार फैक्ट्री पर हमला करना आईडीएफ के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि अगर इस फैक्ट्री का ऑपरेशन प्रभावित होता है तो आईडीएफ को हथियारों की सप्लाई भी ठप हो सकती है, जिसका सीधा असर युद्ध में नजर आ सकता है।